अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों आज ही हमारी वीडियो का टॉपिक है ये जो एलिवेशन प्रोफाइल के ऊपर दिए गए होते हैं इनके ऊपर जो हमारे पास सुपर एलिवेशन या क्रॉस कॉल की जो स्लोप दी गई होती है उसके ऊपर हमने अपने अलाइनमेंट सेंटर लाइन के हिसाब से जो उसके राइट और लेफ्ट साइड के एलिवेशन को कैलकुलेट करना होता है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन सुपर एलिवेशन की स्लोप या ये जो हमारे पास क्रॉस कॉल दी गई होती है उसके हिसाब से। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। इन एलिवेशन को बनाने के लिए आपको इस किस्म का टेबल अपने नोट पैड के ऊपर बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर आपने सेंटर लाइन का एलिवेशन उसकी स्लोप दोनों साइडों के ऊपर और इसी तरीके से जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर आपको राइट या लेफ्ट साइड के ऊपर उसके ऑफसेट चाहिए उसका आपने इधर आपने उसका डिस्टेंस ऊपर लिख देना। इसी तरीके से ये कॉलम हमारा होगा आर डीज वाला, तो आपने अपने ड्राइंग के हिसाब से इसी तरीके से इधर आपने अपनी आर डीज और इधर आपने अपना सेंटर लाइन का जो एलिवेशन है उसको आपने इधर नोट कर लेना। तो ये हमारे पास आर डीज इधर आ जाएंगे, इधर सेंटर लाइन का एलिवेशन और इधर आपने राइट साइड की सुपर एलिवेशन की स्लोप और इधर इस जगह के ऊपर लेफ्ट साइड की सुपर एलिवेशन की जो स्लोप आ रही है इन आर डी के सामने या आपके पास क्रॉस फॉल आ रही है जितनी भी आपके पास मैन कैम्बर की है तो आपने उधर उसकी स्लोप्स को इन जगह के ऊपर इधर लिख देना है आपने। तो ये आप इस तरीके से इसका टेबल बनाएंगे अपने नोट पैड के ऊपर, आर डीज सेंटर लाइन का एलिवेशन आपने प्रोफाइल के ऊपर से देखना है और स्लोप सुपर एलिवेशन जो स्लोप्स होंगी वो आपने इधर कर देनी है। तो उसके बाद आगे हमने इनके ऑफसेट 10 और 20 लेफ्ट साइड या राइट साइड 7.5 20 मीटर के ऊपर जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर भी इनके एलिवेशन हमने इधर सेंटर लाइन की मदद से और स्लोप के ऊपर कैलकुलेट करने हैं और इधर 10 मीटर के ऊपर, इधर 20 मीटर के ऊपर, इधर 7.5 और इधर 20 मीटर के ऊपर वो हमने लिखना है। तो आपने इधर से इसी तरीके से कैलकुलेटर को आपने ओपन कर लेना है इधर और ये जो सेंटर लाइन के एलिवेशन जा रहे हैं 100 आपने प्लस करना है, डबल ब्रैकेट लगानी है, स्लोप कर लेना है -2% मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई 100, ये परसेंटेज में है तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो इधर हमारे पास 98.80 का एलिवेशन आ जाएगा। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट एलिवेशन ले लेना है 100 स्लोप मल्टीप्लाइड बाई अपने डिस्टेंस कर लेना है और डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आपके पास इसका नेक्स्ट एलिवेशन आ जाएगा। ये इसी फॉर्मेट के जरिए इसी कैलकुलेटर के ऊपर जो इनसे भी आपके पास है तो आपने इसके जो जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर भी आपने इसके एलिवेशन कैलकुलेट करने हैं वो आपने इसी फॉर्मेट के ऊपर करने हैं। सेंटर लाइन का आपने डिस्टेंस ले एलिवेशन ले लेना है, जो भी स्लोप आपके पास आ रही है सुपर एलिवेशन की उसको स्लोप को मल्टीप्लाइड बाई आपने डिस्टेंस के साथ करके डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो ये आपके पास इधर उसका एलिवेशन आता जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना है और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। तो ये आप इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये जो जो उससे भी एलिवेशन जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर 10 मीटर के ऊपर हमें चाहिए तो आपने सबसे पहले आपने सेंटर लाइन का एलिवेशन उसकी स्लोप मल्टीप्लाइड बाई आपने उसका डिस्टेंस करके डिवाइडेड बाई 100 कर देना। तो ये सारे एलिवेशन हमारे पास जो आए हैं ये 10 मीटर ऊपर आए हैं अगेंस्ट इन स्लोप के, ये जो हमारे सुपर एलिवेशन की स्लोप जा रही है सेंटर लाइन के हिसाब से। तो इसी तरीके से ये 7.5 का डिस्टेंस है आपने इधर सेंटर लाइन का एलिवेशन ले लेना है मल्टीप्लाइड बाई आपने क्रॉस स्लोप और 7.5 डिस्टेंस कर देना है, बाकी फार्मूला हमारा सारा सेम टू सेम इसी तरह रहेगा। तो आपने इसी तरीके से इसको आपने कैलकुलेट करते जाना है नीचे तक जो जो से भी डिस्टेंस आप इधर लिखना चाहते हैं देना चाहते हैं तो ये आप नोट करके अपने नोट पैड के ऊपर आप नोट कर लेंगे और उधर से आप अपना साइड के ऊपर इसका काम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। बहुत सिंपल आप इसके एलिवेशन वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं आपके राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर जब आपने साइड के ऊपर काम करना है से लैंड सर्वे के हवाले से आपने जो जो भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट होंगी एलिवेशन की जो डिस्टेंस की कभी इतने इतने डिस्टेंस के ऊपर हमें उसका एलिवेशन चाहिए तो उसके जो डिस्टेंस के ऊपर जो एलिवेशन है सुपर एलिवेशन वगैरह के वो आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर जितनी जितनी आर डीज का आप डिस्टेंस लिखेंगे उसी आर डी का आपने सेंटर लाइन इधर लिख देना है और उसी आर डी के सामने जो स्लोप आपकी आ रही होगी वो आपने लिख देने हैं और इधर आपने उसके एलिवेशन को इधर कैलकुलेट करते जाना है। सेंटर लाइन का एलिवेशन है मल्टीप्लाइड बाई आपको क्रॉस स्लोप कर देनी है -6%, उसके बाद आपने ऑफसेट जो हमारे पास आ रहा है 7.5 का 10 का 20 का तो उसके हिसाब से आपने इधर उसके एलिवेशन को इधर कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरीके से ये देख रहे कि हमने राइट और लेफ्ट दोनों के कर लिए हैं 20 मीटर के ऊपर भी आपने इसी तरीके से इसी फॉर्मेट के थ्रू जो मैंने कैलकुलेटर के ऊपर किया उसके हिसाब से आपने इधर कर लेने और राइट साइड के ऊपर भी आपने इसके एलिवेशन को इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेना इन स्लोप के अगेंस्ट जितना भी डिस्टेंस जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।